हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? एंड हैप्पी दिवाली। काफ़ी लोगों ने अच्छे सेलिब्रेट करी होगी और काफ़ी लोगों ने पटाखे फोड़े होंगे, बट सब ने अपने तरीके से दिवाली मनाई होगी। आज मेरा जो ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, ये ब्लॉग वो है जो मैं अपना एक्सपीरियंस और जैसे मैंने अपनी चीज़ों लाइफ में जो किया है और कैसे मैंने यूट्यूब को स्टार्ट करा। एज अ मैंने एक यूट्यूब जो स्टार्ट करा वो 2013 में 2013 में मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा और उसमें ये था कि स्टार्टिंग में जैसे हम सब्सक्राइबर्स, मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी कि लाइक सब्सक्राइबर्स, ये पता था कि सब्सक्राइबर है क्या, मतलब कौन होते सब्सक्राइबर्स जो मतलब हमें फॉलो करते हैं। और एक लाइक पहले एक टाइम पे था ऑर्कुट, तो मुझे लगा था कि ये एक जस्ट चैनल है और यहाँ पे हम डाल देते हैं वीडियोस जैसी मर्जी। बट धीरे धीरे मुझे चीज़ें के बारे में मालूम हुआ कि जब मैंने देखा कि लोग काफ़ी सारे वीडियोज़ डाल रहे हैं और वीडियोज़ अपनी ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉग्स सब चीज़ें डाल रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद मैं भी कर सकता हूँ। और फ्रैंकली मैं बात बताऊँगा कि जब मैंने ये स्टार्ट करा तो मालूम नहीं था कि मतलब क्या करना है, क्या डालना है। मैं आपको एक सही बात बताऊँगा, मैंने क्या किया था कि जब मैंने ये चैनल अपना ओपन किया था 13 में, तो मुझे याद है कि मैंने अपने कॉलेज में एक जिसे कहते हैं ना शो रील, जिसे हम जॉब और इन चीज़ों के लिए हम एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो मैंने ऐसे ही अपना एक पोर्टफोलियो बनाया और जो यूट्यूब में डाल दिया। मुझे लगा था कि शायद यूट्यूब इसके लिए है कि अपना पोर्टफोलियो ये सब दिखाने के लिए, कि अपना हम काम दिखा सकें लोगों को। मुझे सब कोई आइडिया नहीं था कि लाइक क्या है ये, क्या नहीं। बट ये एक, मैं भी एक स्टार्टर हूँ, मैं भी एक मतलब नया नया एक चैनल पे भी आया हूँ। टाइम हो गया मुझे काफ़ी, बट बीच में काफ़ी सारे गैप्स आए, मैं नहीं कर पाया। प्रॉब्लम ये थी कि कभी जॉब, अब जॉब टाइमिंग्स पे वीडियोस बनाना मतलब पॉसिबल नहीं था। तो मैंने स्टार्ट करा कि यार चल ठीक है, थोड़ा बहुत डालते हैं। बीच में काफ़ी टाइम मैं वीडियोस डालने लगा और मुझे लगा कि शायद हाँ 30 व्यूज़ आते हैं, 10 व्यूज़ आ रहे हैं। बहुत खुशी मिलती थी अंदर से कि मतलब लोग मेरी, 10 लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। वो 10 लोग में से 5 लोग, 10 लोग तो वही थे जो मतलब मेरे दोस्त वगैरह और मेरे घर वाले जो वीडियोस देखते थे। तो एक गोल होता है ना एक, कि करना है, जोश होता है कि करना है। तो मैंने एक स्टार्ट करा और एक स्टार्ट करते करते मैंने अपना एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म तो खड़ा ही करा। 30 सब्सक्राइबर्स पे मैं आया, मैंने कहा 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए यूट्यूब को, तभी चैनल मतलब मोनेटाइज होगा और तभी तुम्हारी चीज़ें लोगों तक पहुंचेंगी। बट मुझे ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था कि मतलब कैसे होगा यार, मतलब हर एक दिन एक एक सब्सक्राइबर पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। मतलब इतना लंबा सफ़र, काफ़ी लंबा सफ़र था ये मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स का, जो मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। और थैंक यू सो मच, इतने लोगों ने सपोर्ट करा मेरे चैनल को, और ऐसे ही बने रहूं। और इससे मुझे चीज़ों की मोटिवेशन मिलती है, मैं सोचता हूँ कुछ नया और कुछ नया करने का, क्योंकि मैं भी खुद ही ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। जो मेरी तरह काफ़ी लोग होंगे जो ग्राफिक डिज़ाइनर होंगे, जिनका कुछ गोल होगा करने का। मेरा बेसिकली वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना मुझे पसंद है। और जो मैं करता हूँ अपनी लाइफ में कि कुछ इसको कैसे क्रिएट किया जाए अलग वे में, तो वो मैं करता हूँ, तो मुझे वो चीज़ पसंद थी कि मैं करूँ। तो मैंने एक दिन ऐसे ही अपने दोस्त को बोला, नाम नहीं लूँगा, मैंने बोला यार मेरे 30 सब्सक्राइबर हो गए। बोलता है कि यार 30 सब्सक्राइबर भाई, ये तो अभी कुछ भी नहीं है यार,
है, लेकिन मुझे उनसे से खुशी थी कि मतलब 30 कोई भी हो सकते हैं, आप लोग भी हो सकते हैं, मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, और वो एक खुशी थी कि मतलब यार होंगे। 30 के बाद 100 हुआ तो वो अलग ही खुशी थी कि यार 100 हो गए। मैंने कहा 100 तो मेरे दोस्त दोस्त भी नहीं है। तो स्टार्ट किया, अभी भी मेरा गोल है कि मतलब मैं एक अच्छा यूट्यूबर और आपको अच्छे कंटेंट बना के दूँ, और ये मेरा गोल है। और अपने गोल के पीछे भागना वो ही सबसे बड़ी खुशी है। और मुझे गोल में खुशी ये है कि मैं अपना गोल धीरे धीरे अचीव कर रहा हूँ और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बना के देता हूँ। मैं कई लोग जाते हैं घूमने जाते हैं वीडियोस, मैं जाता हूँ यार घूमना ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यार मैं उन पैसों को जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ घूमने में, मैं उनसे कुछ चीज़ें भी ऐसी बना सकता हूँ ना जिससे कि मतलब लोग पसंद करें मेरी वीडियोस, और मतलब उससे पूछें कि यार ये कौन सी जगह है, क्या है। काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे भी कि यार ये कौन सी प्लेस है, कौन सी जगह है, कहाँ पे तुम गए, ये कौन सा होटल है। तो मैंने सोचा कि यार इस पर बनाता हूँ वीडियोस। देन एक टाइम जब ये स्टार्ट हुआ, और आज का टाइम जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस हो चुके हैं, खुशी इस बात की है कि यार आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, और मैं हमेशा मतलब लैपटॉप खोल के रहता हूँ, हमेशा आपके साथ, हमेशा चेक करता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट मेरा कोई ऐसा वैसा नहीं है कि मतलब मैं कुछ लाइक क्रिएटिविटी, लाइक इन द सेंस जिसे कह सकते हैं कि हम जो लोग टिकटॉकर्स वगैरह वीडियो बनाते हैं लिप सिंग करके, मेरा थोड़ा सा वैसा नहीं है कंसेप्ट। तो जैसे आपने मेरे कंसेप्ट देखे होंगे, अभी जो कंसेप्ट मैं अभी कर रहा हूँ काम, वो कंसेप्ट जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ ट्रैवल की, तो उसमें गाना ऐड कर देना, उसको एक ब्यूटीफाई तरीके से और प्रेजेंट करना ताकि मतलब लोग पूछें कि यार विच प्लेसेस इज। तो मेरा एक कंसेप्ट था इसके बिहाइंड। और मेरा GSM ब्लॉग्स चैनल जो है, ये अभी एक स्टार्ट किया था मैंने अपने कॉलेज में पोर्टफोलियो से कि अपनी जॉब के लिए, और आज मैं अपनी पर्सनल और अपने ट्रैवल की वीडियोस इस पे डाल रहा हूँ। तो खुशी मिलती है मुझे इस चीज़ की कि लाइक आप मुझे इतना पसंद कर रहे हैं मेरी चैनल को। और जिन लोगों को नहीं पता GSM का मतलब क्या है, तो GSM मेरा नाम है गोकुल सिंह मेहरा, और इसमें मेरे दो दोस्त भी हैं, गोकुल, शशि एंड मनिंदर, जो हमने कॉलेज में ही ये नाम डिसाइड किया था एक दूसरे से ऐसे बात करते करते। उस टाइम मेरा कोई मोटिव नहीं था कि यार मैं यूट्यूब खोलूँगा और यूट्यूब स्टार्ट करूँगा, कुछ नहीं। मेरा काफ़ी गैप आ गया था बीच में, मतलब 13 से अभी तक मैं कंटिन्यू नहीं था बिल्कुल भी वीडियोज में जो यूट्यूब में, बट एक था कि करूँगा। तो मैंने GSM और से सोचा कि यार मेरा नाम भी बन रहा है, मेरा नाम भी है इसमें, और मेरे दोस्तों के नाम है जिन्होंने ये नाम एक सजेस्ट करा, और मेरे दोस्त भी आ गए। तो मैंने ऐसा अपने एक चैनल सोच के नाम स्टार्ट करा। और खुशी इस बात की भी थी कि यार उस टाइम सबने अपने अपने नाम रखे थे, MSM, GSM फोटोग्राफी, MSM फोटोग्राफी। जो लोग मेरे को जानते हैं, मतलब मेरे को स्कूल के कॉलेजेस के मेरे दोस्त, उनको याद होगा कि मैं अपने फ़ोटोज़ पे GSM फोटोग्राफी करके लिखता था कि लाइक ये मैंने खींची है, तो मैंने उसका लोगो ही बनाया था। देन मैंने स्टार्ट करा अपना चैनल, स्टार्टिंग स्टार्टिंग करते लोगो बनाया, लोगो डिज़ाइन किया, लोगो बना के फिर मैंने इसको स्टार्ट किया ट्रैवल बीस्ट से। ट्रैवल बीस्ट स्टार्ट किया और अच्छा चला था, बट अच्छा इन द सेंस मैं ये नहीं बोलता कि उसमें मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, 2 मिलियन व्यूज़ आते हैं, नो। मेरी खुशी सिर्फ वो है, एक छोटी छोटी खुशी जिसे कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही एक चीज़ थी मेरी खुशी की, मैं छोटी छोटी खुशियों को समेटता चला गया, समेटता चला गया। और खुशी इस बात की भी कि मैं अपने लिए कर रहा था, किसी और के लिए नहीं कर रहा था, मैं अपने लिए कर रहा था। और आज 1000+ सब्सक्राइबर्स मेरे, दिवाली में लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू उसके लिए, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैं वीडियोस डालता रहूँगा,
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये मेरा कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं, एक मोटिवेशन स्पीच थी जो मैंने दी। और हार्डवर्क हर चीज़ में है। जो लोग करना चाहते हैं कि यार मैं यूट्यूब करूं और यूट्यूब में कुछ करना चाहता हूं या वीडियोस बनाना चाहता हूं, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई कोई अपनी चाहे अपने चीज़ों को दिखाते हैं, कोई फूड ब्लॉगर्स हैं, कोई ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, तो मेरा था कि यार मैं एक शॉर्ट में, मतलब एक 15 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड में चीज़ों को कंप्लीट करूं। जो लोग लाइक 6 मिनट्स 10 मिनट्स की वीडियोस बनाते हैं, बट मैं बनाऊंगा इन फ्यूचर, मे बी नेक्स्ट ईयर। और लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो काफ़ी लोग पूछते हैं ब्लॉग बनाओ, तो ब्लॉग बनाऊंगा मैं, तो स्टार्ट करूंगा। लेकिन मेरा चैनल वो जो रहेगा वो दूसरा रहेगा, इसमें भी इसमें नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना अलग सा बनाऊँ चैनल अपना। तो एक स्टार्ट, और ताकि जो लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, ये जो शॉर्ट्स की छोटी वीडियोस, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है, जल्दी बन जाती है, और शॉर्ट्स को कंबाइन करना बहुत इजी है वीडियोस को, तो वो चीज़। तो जो लोग करना चाहते हैं वो करो, ठीक है? और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। मैंने एक चैनल स्टार्ट करा 100 से, सो नाउ इज़ 1100 इज़ कम्प्लीटेड, सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू सो मच, इतने लोगों ने मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को। और इन फ्यूचर मैं आपको बेस्ट वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, और अभी आपको बेस्ट शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे मेरे ड्रोन के, तो ड्रोन भी काफ़ी जल्दी अभी वीडियोस में आने वाले हैं मेरे नए वीडियोस में, तो मैं आपको वो शो करूँगा। ओके, तो मेरे चैनल बने रहिए, और जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं ना वो करो यार, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यार तुम्हें 1 मिलियन अचीव करना है। गोल अपना तुम इतना बड़ा रख रहे हो 1 मिलियन, पहले ये 100 तो 1000 तो करो, तुम्हें वो 1 मिलियन का जो आंकड़ा है ना वो मालूम हो जाएगा। तो जितना तुम गोल को समेटोगे ना उतना तुम आगे बढ़ोगे। तो वो चीज़ मैंने सोची है कि हर एक छोटी छोटी खुशी को समेटो और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो। 1 मिलियन नहीं, 10 मिलियन ईजली, क्योंकि लोग तुम्हारी वीडियोस देख रहे हैं। बने रहिए मेरे चैनल पे GSM Vlogs, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, और टाइम भी काफ़ी हो गया, मैं जस्ट अभी बाहर से आया था, सोचा कि एक छोटा सा स्पीच बना लेता हूँ फिर सोना चलते हैं। जो लोग हार्डवर्क कर रहे हैं हार्डवर्क करो, वीडियोस बनाओ और टैग करो, मैं स्टोरी पर डालूंगा, और मेरे चैनल बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय बाय।